Very good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to Standard 2, Subject Gujarati. Chapter 2, Part 1. आज हम पढ़ेंगे Chapter 2 का Part 1. वांद्रा माथे फुग्गो टोको, है ना? बंदर के माथे पे कैसा है? फुग्गे का टोपा है. फुग्गे means balloon. तो उसका क्या है? टोपी है. मैं तो फुग्गो पाड़े छे, है ना? मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. जैसे कई लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, चूहे पालते हैं, खरगोश पालते हैं. तो मैंने क्या पाला है? यहाँ पर एक लड़की है, उसने छोटी सी पोएम गाई है. वो क्या कहती है? मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. कोई पण पाड़े उतरो रियो ने कोई पण पाड़े गाय. वो बोलती है कोई तो पालता है कुत्ते का छोटा सा बच्चा और कोई पालता है गाय. ए भाई ए भाई ए भाई 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 मैं तो फुग्गो पाड़े छे, है ना? वो बोलती है ए भाई मैंने तो क्या पाला है? फुग्गा पाला है. फुग्गा मीन्स बलून, है ना? ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बलून्स हैं. फुग्गा माथी बने कबूतर फुग्गा माथी चकलो. फुग्गा से मैं क्या बनाती हूँ? फुग्गा से ही मैं कबूतर बनाती हूँ. फुग्गा से ही मैं क्या बनाती हूँ? चिड़िया बनाती हूँ. फुग्गा माथी बनतो जोकर एनी माथी टकलो. और फुग्गा से क्या बनता है? जोकर बनता है जिसका माथा क्या है? टकला है, बाल नहीं है. डोरी साथे बांधू तो अधर अधर जाए. और अगर मैं डोरी से बांध देती हूँ तो देखो ऊपर ऊपर उड़ने लगता है. ए भाई ए भाई ए भाई 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 मैं तो फुग्गो पाड़े छे. मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. तो एक छोटी सी लड़की है जो एक गीत गा रही है और कह रही है कोई पण पाड़े उतरे रियो ने कोई पण पाड़े गाय. कोई पालता है कुत्ता और कोई पालता है गाय. ए भाई ए भाई ए भाई मैं तो फुग्गो पाड़े छे. मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. फुग्गा माथी बने कबूतर फुग्गा माथी चक्को. फुग्गा से क्या बनाती है? वो चकलो बनाती है. फुग्गा से ही क्या बनाती है? कबूतर बनाती है. फुग्गा माथी बनो जोकर एनी माथी टकलो. और फुग्गा से ही वो क्या बनाती? जोकर बनाती है जिसका माथा क्या है? टकला है, जिसके सिर पे बाल नहीं है. डोरी साथे बांधू तो अधर अधर जाए. और डोरी के साथ मैं जब बांध देती हूँ तो अधर अधर मतलब अकेले अकेले उड़ने लगता है. मैं तो फुग्गो पाड़े छे. मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. पिपड़ू ऊपर बांधू तो फुग्गो बाजू थाए. और पिपड़ू जो माउथ आर्गन होता है, जो बीन होती है, उस पर जब हम बलून को बांध देते हैं तो फुग्गे की आवाज़ आने लगती है. साइकिल साथे बांधू तो मारी साइकिल स्कूटर थाए. और साइकिल के इसमें जब हम बांध देते हैं तो देखो ये रहा है, इस बच्चे ने साइकिल में बलून बांध रखी है तो कैसे फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ आती है. तो क्या लगता है? जैसे कोई स्कूटर है. तो वो क्या बताती है कि अगर जब मैं पिपड़ू के साथ अपने बलून को बांध देती हूँ तो क्या होता है कि उसकी आवाज़ आने लगती है. और जब साइकिल में बांध देती है तो साइकिल कैसा बन जाता है? स्कूटर की तरह. खिसामा मुकू तो छानो मानो सूई जाए. और जेब में मैं रख देती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बलून क्या हो गया है? सो गया है. बलून क्या हो गया है? सो गया है. कोई आवाज़ ही नहीं आती. ए भाई ए भाई ए भाई 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 मैं तो फुग्गो पाड़े छे. मैंने क्या पाला है? फुग्गा पाला है. तो समझ में आया, ये छोटी सी एक लड़की है जो बताती है कि उसने क्या पाल रखा है? बलून पाला है. और आपको भी क्या करना है? ये पोएम को अच्छे से रीड करना है. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में. आप बातचीत करते हैं थोड़ी बलून के बारे में. क्या फुग्गा सरखा छे. यहाँ पर सेम फुग्गे कौन कौन से हैं? तो देखिए जिसको ग्रीन बोलते हो आप, नीना बोलते हो, और रेड कलर के दोनों बलून्स क्या है? सेम है. क्या रंगो फुग्गो सौती मोटा छे. तो कौन सा सबसे बड़ा बलून है? पिंक वाला. क्यों फुग्गा सौती नानो छे. सबसे कौन छोटा फुग्गा कौन सा है? ये. तो आप इसको जैसे नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना? तो क्या फुग्गा सरखा छे. तो 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर. क्या रंगो फुग्गा सौथी मोटा छे. तो 4 नंबर. क्या क्यों फुग्गा सौथी नानो छे. तो 1 नंबर. क्या क्या रंगा फुग्गा सरखा छे. क्या क्या रंग का फुग्गा है, है ना? तो यहाँ पर बताना है रेड ग्रीन और
पिंक है ना, तो आप क्या बोलते हो, गुलाबी, लाल और लीला। ठीक है, सरका देखकर चित्रों मां तफावत सोदो, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिफरेंसेस निकालना है कि पिक्चर में क्या डिफरेंसेस है, क्या अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या अलग अलग है। देखिए इसके बैग में यहाँ पर पाउच नहीं है, तो यहाँ पर वन नंबर कर देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए इसने सॉक्स पहनी, इसने सॉक्स नहीं पहनी है, तो यहाँ सेकंड नंबर कर दीजिए। थर्ड नंबर में देखिए इसके पास बेल्ट है, इसके पास बेल्ट नहीं है, थर्ड नंबर हो गया है ना। फोर नंबर में यहाँ पर देखिए पीली पट्टी, यहाँ रेड पट्टी, फोर नंबर हो गया। ओके, और देखिए क्या आपको अलग अलग लग रहा है, और कुछ अलग लग रहा है आपको पिक्चर में? तो देखिए ये फोर के बाद ये फाइव नंबर, यहाँ पर ये धारियाँ नहीं बनी है। ओके, तो फाइव डिफरेंसेस हमने निकाल लिए। अब आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पांच चित्रों पे की सरखा बे चित्र सोदो, सोदवा का हो। तो यहाँ पर सेम सेम कौन सी पिक्चर है, फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं, एक बे त्रण, ओ यहाँ फर्स्ट और थर्ड आपका सेम पिक्चर है। बाकी नान्य चित्रों माँ सो फेर पार छे ते जवाब माँ कहो, तो कौन सा फेर पार है? देखो कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट बनी उसकी दाढ़ी के नीचे है ना। फोर्थ नंबर पे बिंदी नहीं है, और फाइव नंबर पे क्या है, लंबी बिंदी है। ओके, चलिए देखें नेक्स्ट वार्ता कहे भी। अब देखें यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है नंबर वाइज आपको, ये देखें ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है। एक बार फिर मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ, ये कौन है, एक टोपी वाला कहाँ जाते रहता है, शहर की तरफ टोपी बेचने के लिए जाते रहता है, पर वो चलते चलते क्या हो जाता है, थक जाता है, तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ पर क्या रहते हैं, बहुत सारे बंदर रहते हैं, क्या रहते हैं, बंदर रहते हैं। तो जैसे ही टोपी वाला सोता है तो बंदर क्या करते हैं, उसकी सारी टोपी लेकर ऊपर पेड़ पे चले जाते हैं और सबके साथ टोपी पहन लेते हैं। पर जैसे ही टोपी वाला जाता है तो वो देखता है कि उसकी टोपी एक भी नहीं रहती है ना। तो वो क्या कर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। तो सोचते सोचते उसे एक विचार आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसको पता रहता है बंदर जो होते हैं नकलची होते हैं, नकलची मतलब जैसा हम करेंगे वैसे बंदर भी करते हैं। तो वो दिमाग लगाता है और अपने सिर पे क्या पहनता है, टोपी पहनता है, और टोपी को पहले पहनता है फिर गिराता है, टोपी को पहनता है फिर निकालता है, हाथ में पकड़ता है फिर करता है। तो बार बार ऐसे ही करता है तो बंदर भी वैसे ही करने लगते हैं, और लास्ट टाइम वो अपनी टोपी को जमीन पे फेंक देता है। तो बंदर को तो पता नहीं रहता, वो भी उनका नकल करते करते बंदर क्या करते हैं, टोपी को नीचे फेंक देते हैं। तो टोपी वाला फटाफट अपनी टोपी समेटता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी हमको ये समझाती है कि जब हमें कोई भी मुसीबत आए, जब हम किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रॉब्लम को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर टू का पार्ट वन फिनिश होता है। आपको मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, हार्डवर्क सेंड करूँगी, वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।